Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very recent and emerging topic in education and field of educational psychology, that is educational neuroscience. Okay, so let's start. Educational neuroscience means Shaikshik Tantrika Vigyan. पहले जाने के तंत्रिका विज्ञान क्या है, न्यूरोसाइंस क्या है. तो न्यूरोसाइंस इज द इंपीरिकल स्टडी ऑफ द ब्रेन एंड कनेक्टेड नर्वस सिस्टम, यानी कि मस्तिष्क और उससे जुड़ा हुआ जो तंत्रिका तंत्र है उसका जो मूलानुपाती जो अनुभवजन्य अध्ययन है वो तंत्रिका विज्ञान है. द ब्रेन इज द ऑर्गन दैट इनेबल्स अस टू अडैप्ट टू अवर एनवायरमेंट, इन अ सेंस टू लर्न. मस्तिष्क ही वो अंग है हमारे शरीर का जो हमको वातावरण के प्रति अनुकूलित होने के योग्य बनाता है, या कहें कि हम उसी के हिसाब से सीखते हैं. Neuroscience is shedding light on the influence of our genetic makeup on learning over our lifespan. जो तंत्रिका विज्ञान है वो इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस तरह से हमारा जो आनुवंशिकी है, जो हमारी आनुवंशिकी बनावट है, वो हमारे सीखने को किस प्रकार प्रभावित करती है. Neuroscience or neurosciences is an umbrella term coined to the best of our knowledge by Ralph Waldo Gerard, an American neurophysiologist from the यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन दी 1950s, यानी कि बहुत अभी उभरता हुआ विज्ञान है ये. 1950 के दशक में तो इसकी शुरुआत ही हुई है. हाउएवर इट वॉज फ्रांसिस ऑटो श्मिट, बायोफिजिसिस्ट, चीफ एट द बायोलॉजी डिपार्टमेंट एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट मेड द टर्म फेमस इन दी 1960s. यानी 1960 में ऑटो श्मिट के प्रयासों से, जो कि MIT के थे, ये टर्म फेमस हुआ. कौन सा टर्म? न्यूरोसाइंस. न्यूरोसाइंस का एजुकेशन से क्या लेना देना है? न्यूरोसाइंस एंड एजुकेशन, ब्रिंगिंग डिस्कवरीज इन न्यूरोसाइंस टू द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट इज अ फंडामेंटल स्टेप फॉर टीचर्स टू इनोवेट इन पेडागॉजिकल स्ट्रेटजीज एंड फॉर स्टूडेंट्स टू चूज मोर इफेक्टिव स्टडी प्रैक्टिसेस. जो तंत्रिका तंत्र की खोजें हैं, जो आविष्कार हैं, जो उससे निकल कर आ रहा है, उसको अगर हम शैक्षिक परिदृश्य में देखें तो उससे सीख लेके, उसका ज्ञान लेके जो शिक्षक हैं वो और बढ़िया इफेक्टिव स्टडी प्रैक्टिसेस और कर सकते हैं क्लासरूम में, और पेडागॉजिकल स्ट्रेटजीज नई नवाचार कर सकते हैं. इन द लास्ट 3 decades, नॉवेल एंड पावरफुल न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स फॉर ब्रेन एनालिसिस ब्रॉट अ नोटिसिएबल एक्सेलरेशन इन रिसर्च टू शेड लाइट ऑन न्यूरल नेटवर्क्स फॉर लर्निंग. टुडे न्यू इमेजिंग टेक्निक्स इनेबल मेजरिंग ब्रेन एक्टिविटी फॉर पीपल इन मोशन. ये नया है, जो नया नया टेक्निक आ गई, जो इतने आधुनिकतम जो उपकरण आ गए हैं उसकी सहायता से ब्रेन जो है वो काम कर रहा है उस वक्त भी उसका अध्ययन किया जा सकता है. ये बहुत एक ट्विस्ट, एक यू कह से कि एकदम एक नया चमत्कार है. पहले कोई अचेत अवस्था में है या इस तरीके का है तभी आप उसके ब्रेन का अध्ययन कर सकते थे, तो वो नहीं पता चलता था कि कब सीख रहा है, तो उस वक्त ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं. बट अब विद्यार्थी पढ़ रहा है, आप उसको कुछ सिखा रहे हैं, वो सीख रहा है, उस वक्त भी उसके ब्रेन का अध्ययन किया जा सकता है. सच एडवांसेस गेव साइंटिस्ट्स लीवे टू इन्वेस्टिगेट द ब्रेन इन रियल टाइम एंड गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन स्टूडेंट्स ब्रेन फंक्शनिंग एज लर्निंग अनरेवल्स. इससे पता चल सकता है कि जब विद्यार्थी सीखता है तो उसके मस्तिष्क में क्या परिवर्तन होते हैं. न्यूरोसाइंस टुडे कैन मेक यूज ऑफ ए रोबस्ट एविडेंस बेस टू कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन. द फाइंडिंग्स हाईलाइट हाउ एडिक्वेट एजुकेशनल सपोर्ट मे लीड टू पॉजिटिव ब्रेन एंड माइंड चेंजेस. यानी कि दोनों जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेंगे. कौन? न्यूरोसाइंस और एजुकेशन. ब्रेन स्ट्रक्चर, मेटाकॉग्निशन एंड लर्निंग कैपेसिटीज की अगर बात करें तो मतलब मस्तिष्क की आपको संरचना पता हो, आपको जो अधि संज्ञान है उसके बारे में पता हो, और लर्निंग कैपेसिटी में क्या संबंध है. तो देखिए, मस्तिष्क की जो संरचना है उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, फ्रंटल लोब होता है. तो फ्रंटल लोब कह रहे हैं क्या है कि द फ्रंटल लोब इज नॉट अ पर्टिकुलर ऑर्गन इनसाइड द ब्रेन बट द होल फ्रंटल पार्ट, मतलब जो आगे का पार्ट है उसको फ्रंटल लोब कह दिया गया है. और ये किससे जुड़ा हुआ है? एसोसिएटेड है हायर लेवल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग मेटाकॉग्निशन से. और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? ये ग्रे मैटर है इन द फ्रंटल लोब ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, मतलब फ्रंटल का ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो उसका ग्रे एरिया है उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कह दिया गया. और ये किसके लिए जिम्मेदार है? हमारे थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस के लिए. तो द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द मेजर सजेशन ऑफ न्यूरोसाइंस रिगार्डिंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेटाकॉग्निशन. यानी कि जो मेटाकॉग्निशन है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में रहती है. हैबिटेट माने क्या होता है? आवास. तो ये ब्रेन की स्ट्रक्चर है. कैसे जो न्यूरोसाइंटिस्ट हैं वो एजुकेशनिस्ट को सहयोग कर सकते हैं अपनी खोजों के द्वारा. फिर लर्निंग. लर्निंग क्या है? ये द ब्रिज बिटवीन न्यूरोसाइंस एंड एजुकेशन. अगर न्यूरोसाइंस और एजुकेशन जुड़ जाए तो लर्निंग हो जाएगी.
learning happens by the reorganization of synapses, neuronal circuits, and interconnected neural networks distributed throughout the brain. This reorganization also encompasses and boosts the development of mental functions. यानी कि learning के साथ साथ क्या क्या हो रहा है, हम attention की प्रक्रिया, emotion, motivation, memory, language and logical, mathematical reasoning, सब कुछ brain में हो रहा है, ये सारे mental functions. तो mental functions get improved by pedagogical strategies used by educators in teaching and learning processes. तो अगर educators को ये पता चल जाए कि brain के किस हिस्से का संबंध किस हमारी मेंटल फंक्शन से है, उसको हम और किस प्रक्रिया से और सुधार सकते हैं, तो अपनी पेडागॉजिकल स्ट्रेटजी को सुधार के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बढ़िया कर सकते हैं. दे लीड टू नर्वस सिस्टम रीऑर्गेनाइजेशन इनेबलिंग न्यू नॉलेज एबिलिटीज एंड एटीट्यूड्स. दैट इज व्हाई द ब्रेन इज द ऑर्गन ऑफ लर्निंग. जो मस्तिष्क है हमारा, वही सीखने का अंग है हमारे शरीर में. तो टीचर्स लेकिन होता क्या है कि टीचर्स जनरली लैक नॉलेज अबाउट हाउ द ब्रेन वर्क्स, पर हमको जनरली ये पता नहीं होता है कि मस्तिष्क कैसे कार्य कर रहा है. दस द नीड फॉर अ डायलॉग बिटवीन न्यूरोसाइंस एंड एजुकेशन दैट कीप्स लर्निंग एट द कोर. तो इसलिए जरूरी है कि एक संवाद हो किसके बीच में, जो शैक्षिक तंत्रिका विज्ञानी है और जो शिक्षा शास्त्री है. टू नो अबाउट हाउ वी लर्न, हाउ मेंटल फंक्शंस गेट इन्वॉल्व इन लर्निंग, हाउ सेंसिटिव पीरियड्स वर्क, हाउ कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस कोरिलेट द पोटेंशियल्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ द नर्वस system, learning difficulties and interventions for remediation can contribute for understanding several issues in schooling. यानी विद्यालयी दशा में और आगे की पढ़ाई में हमको अगर ये पता चल जाए कि कॉग्निशन कैसे हो रहा है, इमोशन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बच्चा मोटिवेट कब होता है, परफॉर्मेंस कैसे इन सब में सह संबंध है, इनका नर्वस सिस्टम से क्या सह संबंध है, तो बहुत सारी लर्निंग डिफिकल्टीज को हम सुधार सकते हैं. अब आया एजुकेशनल न्यूरोसाइंस की बात की. एजुकेशनल न्यूरोसाइंस देखिए, इसको न्यूरो एजुकेशन भी कहते हैं. द एजुकेशनल न्यूरोसाइंस एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ रिसर्च है, क्योंकि बहुत सारे इसमें अनुशासन जुड़े हुए हैं. कौन कौन जुड़ा है इसमें? पेडागॉजिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस. यानी न्यूरोसाइंस ब्रेन एंड इट्स फंक्शनिंग, पेडागॉजी इंडिविजुअल एजुकेशन एंड लर्निंग, और साइकोलॉजी माइंड एंड बिहेवियर. ये जब तीनों को रिलेट करते हैं तो बीच में आपका आता है न्यूरो एजुकेशन या एजुकेशनल. देखिए, इसको एजुकेशनल न्यूरोसाइंस कह रहे हैं, इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कह रहे हैं, इसको न्यूरो साइकोलॉजी कह रहे हैं, और बीच का हिस्सा न्यूरो एजुकेशन है. माइंड, ब्रेन एंड एजुकेशन साइंस सब मिलके, तो इसमें क्या क्या मिल जाएगा आपका? साइकोलॉजी आएगा, न्यूरोसाइंस आएगा और पेडागॉजी आएगा, और मिलके बनेगा क्या? एजुकेशनल न्यूरोसाइंस बनेगा. ठीक है, साइकोलॉजी आपको पता है क्या है? मेंटल प्रोसेसेस, न्यूरोसाइंस डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, और पेडागॉजी आर्ट एंड साइंस ऑफ एजुकेशन और टीचिंग. प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरोसाइंस जो कि हमको एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, लर्निंग चेंजेस द ब्रेन. हमको स्टूडेंट्स को बताना होगा कि लर्निंग से ब्रेन चेंज होता है, इसका मतलब आप सीख सकते हैं और सीखने की प्रक्रिया सतत चल सकती है. How we learn is unique. उनको बताना होगा कि हम सब का मस्तिष्क अलग तरीके से काम करता है, हम सभी विशिष्ट हैं. तो हमको स्टूडेंट का इंटरेस्ट, पर्सनलाइज्ड टीचिंग, इन सब के बारे में हमको न्यूरोसाइंस भी कहता है कि हाँ, ये बात ठीक है. सोशल इंटरेक्शन इज कंड्यूसिव टू लर्निंग. यानी कि सोशल एटमोसफियर, सोशल इंटरेक्शन बढ़िया होता है तो लर्निंग बढ़िया होती है. इसलिए आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, डायलॉगिक इंटरवेंशन, इन सब के बारे में बात करनी चाहिए. फिर टेक्नोलॉजी यूज इन्फ्लुएंसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज. यानी कि जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को और स्टोरेज को प्रभावित करता है. इसका मतलब कि आपको बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में करना चाहिए. इमोशन स्टीयर्स लर्निंग. ये जो बात की जाती थी कि इमोशन अलग है, कॉग्निशन अलग है, नहीं, इमोशन जो है वो आपको लाभ देते हैं, लर्निंग को स्टीयर करते हैं, उसको मदद करते हैं. क्रिएटिविटी रीऑर्गेनाइजेस मल्टीपल न्यूरोनल कनेक्शंस. इधर मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसकी बैटरी जा रही है. मोटिवेशन सेट्स द ब्रेन इनटू लर्निंग मोड. अटेंशन इज द गेटवे फॉर लर्निंग. द ब्रेन डज नॉट मल्टीटास्क. देखिए, ये एक बड़ा मिथ है जो हमको लगता है कि हम लोग बहुत सारे टास्क हमको एक साथ कर लेने चाहिए. नहीं, ब्रेन डज नॉट मल्टीटास्क. एक बार में एक टास्क पे वो ज्यादा कंसेंट्रेट कर सकता है अच्छे से. लर्निंग रिक्वायर्स इलेबोरेशन एंड टाइम टू गेट कॉन्सोलिडेटेड इन मेमोरी. ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने आज याद किया और आज आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा. रिपीटेशन जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है. ब्रेन को समय चाहिए उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए. सेल्फ रेगुलेशन एंड मेटाकॉग्निशन बूस्ट लर्निंग. व्हेन द बॉडी टेक्स पार्ट, लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव. देखिए, सारे प्रिंसिपल्स जो हम लोग एजुकेशन में फॉलो करते हैं न्यूरोसाइंस के, वो प्रिंसिपल्स हैं कि जब हमारा शरीर हिस्सेदारी होता है, मतलब जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो रहा है, जब हम लर्निंग बाई डूइंग हो रहा है, तो लर्निंग जो है वो मोर इफेक्टिव होती है. और न्यूरोसाइंस के एजुकेशनल इंप्लीकेशन यही हो जाएंगे कि एजुकेशन इज अबाउट इनहेंसिंग लर्निंग एंड न्यूरोसाइंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग. यानी कि न्यूरोसाइंस से हमको वो प्रिंसिपल,
वो मेंटल प्रोसेसेस पता चल जाएंगे जो लर्निंग में हिस्सेदारी कर रही हैं, तो हम उसको सुधार सकते हैं. न्यूरोसाइंस रिसर्च सजेस्ट दैट लर्निंग आउटकम्स आर नॉट सोलली डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट. न्यूरोसाइंस रिसर्च हैज एडवांस्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज. द ब्रेन चेंजेस कॉन्स्टेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग एंड रिमेन्स प्लास्टिक थ्रू आउट लाइफ. ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं वो शैक्षिक जो आपका तंत्रिका विज्ञान है उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि ब्रेन जो है वो लगातार बदलता रहता है. मतलब कहने का मतलब कि हम ब्रेन में चेंजेस लगातार कर सकते हैं, ये नहीं कि सीखने की उम्र हो गई अब हम ये नहीं सीख सकते, ये सारी बातें मिथ हैं. और रीसिलियंस, न्यूरोसाइंस हैज अ की रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग मीन्स ऑफ बूस्टिंग ब्रेन पावर. ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट इन न्यूरोसाइंस, इमर्जिंग फील्ड ऑफ एजुकेशनल न्यूरोसाइंस प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज चैलेंजेस फॉर इन एजुकेशन. इट प्रोवाइड्स मीन्स टू डेवलप अ कॉमन लैंग्वेज. अच्छा एंड है, ये दो तीन है, ए आ गए. ब्रिज द गल्फ बिटवीन एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट. यानी कि एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट के बीच की खाई को हमको कम करना है ताकि न्यूरोसाइंटिफिक प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में इस्तेमाल करके हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बढ़िया कर सके, लर्निंग बच्चों की, स्टूडेंट्स की परमानेंट हो सके, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सके. तो ये एक नया उभरता हुआ टॉपिक हमको पता होना चाहिए. सो आई हैव शेयर्ड दिस वन टू ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.